नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न 6 हम करने जा रहे हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। बच्चों, यह प्रश्न बहुत आसान है। जैसा आपने पांचवा प्रश्न किया, यह बिल्कुल वैसा ही है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए कोण P और Q इसके आसन मतलब साथ साथ वाले कोण हैं। ये साथ साथ वाले कोण हैं, तो हम ये दोनों बराबर हैं, तो मान लेते हैं इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो PS QR के समांतर होती है और यह है बीच में तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब x, ये दोनों आसन्न कोण हैं, एक तिर्यक रेखा है PQ, ये समांतर रेखाएं हैं, ये कोण और ये कोण x और x, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x होता है 2x, यह बराबर होगा 180 डिग्री के। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, दो इधर गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। 180 को जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब x आ गया 90 डिग्री। तो कोण P आ गया है 90 डिग्री और कोण Q भी आ गया है 90 डिग्री, क्योंकि कोण P किसके बराबर था, x के, और कोण Q किसके बराबर था, x के बराबर। हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, मान लो कोण P बराबर कोण Q बराबर x डिग्री के। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण P है, यह बराबर होगा कोण R के, कोण R बराबर होगा कोण P के, और कोण P कितना आया है, 90 डिग्री। इसका मतलब कोण R भी होगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, कोण Q और कोण S, ये भी एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, तो समांतर चतुर्भुज में ये भी सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कोण S बराबर होगा, ये वाला कोण S बराबर होगा कोण Q के, और कोण Q किसके बराबर आया है अभी, 90 डिग्री के बराबर। इसका भी कारण यही है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि हमने बराबर कोण लेने के बाद हमने x निकाला, x के बाद देखिए हमें चार कोण निकालने थे, तो कोण P हमने निकाल दिया 90 डिग्री, कोण Q भी निकाल दिया 90 डिग्री, कोण R भी निकाल दिया 90 डिग्री, और कोण S भी निकाल दिया 90 डिग्री। यही हमें कहा गया था, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो हमने चारों कोणों के माप ज्ञात कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर बाकी वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।